नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज बॉक्स ऑफिस पर टोटल 4 फिल्में रिलीज हो चुकी है, जिसमें एक है सैफ अली खान की बाजार, दूसरी फिल्म है राजकुमार राव की 5 वेडिंग्स, तीसरी फिल्म है शर्मन जोशी की काशी और चौथी फिल्म है नील नितिन मुकेश की फिल्म दशहरा। दोस्तों, चारों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी कम ओपनिंग मिली है। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सैफ अली खान की फिल्म बाजार, जिससे सैफ अली खान को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, यह फिल्म अपने पहले दिन 2 से 3 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। दोस्तों, इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले हैं, वहीं दर्शकों की तरफ से भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यू मिलते नज़र आ रहे हैं। दूसरी फिल्म है शर्मन जोशी की फिल्म काशी इन सर्च ऑफ गंगा। दोस्तों, इस फिल्म को भी क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले हैं, वहीं KRK ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है और इस फिल्म को KRK की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए गए हैं। दोस्तों, ये फिल्म से भी शर्मन जोशी को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और इस फिल्म से उनकी वापसी हो सकती है। दोस्तों, तीसरी फिल्म है नील नितिन मुकेश की फिल्म दशहरा। इस फिल्म से भी नील नितिन मुकेश को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि दोस्तों इन तीनों ही फिल्मों में जो एक्टर हैं लीड रोल में, उन तीनों की ही पिछली फिल्में फ्लॉप हो चुकी है। दोस्तों, इस फिल्म में नील नितिन मुकेश एक पुलिस वाले के किरदार को निभा रहे हैं और इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिले जुले रिव्यू मिले हैं। दोस्तों, इस फिल्म को पहले दिन लगभग 30 से 35 लाख की ओपनिंग मिल सकती है, वहीं काशी को अपने पहले दिन 50 से 70 लाख की ओपनिंग मिल सकती है। वहीं चौथी फिल्म है राजकुमार राव और नरगिस फाखरी की फिल्म 5 वेडिंग्स। दोस्तों, इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ है, वहीं राजकुमार राव ने भी इस फिल्म के प्रमोशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है। दोस्तों, इस फिल्म को पहले दिन लगभग 30 से 35 लाख की कमाई कर सकती है। दोस्तों, आपको इन चारों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म का इंतज़ार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है, इन चारों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज़्यादा कमाई करेगी, हमें कमेंट में बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।